Hello guys, welcome back in Movie Zone. This is Mani. Today we are going to react on Time to Be a Hero by Baby Ki Vines. बहुत पुरानी वीडियो. So दोस्तों यार, let's check it out. इसमें क्या कुछ है? हाँ, मैं तो पुरानी मतलब इतनी भी पुरानी नहीं है, मतलब ठीक है, बहुत पुरानी वीडियो, मतलब दोनों के बीच के भी लॉकडाउन के टाइम की वीडियो. तो मतलब टू बी हीरो मेरे हिसाब से इतना भी मत करो वीर की लोगों को लगे कि हम लोग यू नो इतने टाइम बाद रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं है. एजुकेशन कर दिया था, बट हम वीडियो वापस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम ये कैसे मिस कर सकते. सो हियर वी स्टार्ट. गो, चलो चलो चलो, देर हो जाएगी. वो थैली रख ली. कहाँ जा रहे हो? वो खाने का सामान, मास्क, साबुन और वो जो हाथों पे मलते हैं. क्या मलते हैं हाथों पे? चूना, कत्था, पनवाड़ी हो क्या? सैनिटाइजर होता है वो. हाँ, सैनिटाइजर, वो लेने जा रहे हैं. पर क्यों? कल ही तो लाए थे इतना सारा सामान. और ले आते हैं बेटा. कल को ये वायरस अगर ज्यादा फैल गया तो हमें ज्यादा मात्रा में सामान रखना चाहिए अपने पास. और हमारी वजह से कोई जरूरतमंद नहीं खरीद पाया तो? हमारी फैमिली में कितने लोग हैं? तीन. तीन है ना, तो तीन के लिए तो बहुत है. अच्छा सुन, अब से आइसक्रीम बंद. रोज गर्म पानी से नहाना, गर्म पानी पीना और धूप सेकना. क्यों? कहते हैं ये वायरस गर्मी नहीं झेल सकता. नोरा फतेही है क्या? कौन कह रहा है? व्हाट्सएप पे मैसेज आया है. सबसे पहले तो ये बूढ़े लोगों का व्हाट्सएप छुड़वाओ. क्यों? क्योंकि ये फेक न्यूज है. तू बड़ा ज्ञानी है. ज्ञानी नहीं हूँ लेकिन जागरूक जरूर हूँ. पापा, ये जो फेक न्यूज होती है ना, वो इसीलिए वायरल होती है क्योंकि ये हम सबके इमोशंस के साथ खेलती है. वहाँ डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप यहाँ गर्म पानी से नहा के साइंटिस्ट बन रहे हो. बेटा, धूप सेकने से सब ठीक हो जाएगा. मम्मी, जादू हो क्या? अगर धूप सेकने से अंदर का वायरस निकल जाता तो सब लोग सड़कों पे नंगे लेटे होते. फिर तो हमें जितने मैसेज आए हैं सब गलत हैं. क्या क्या है? यही एक आया था कि पैरासीटामोल और इबुप्रोफेन खाने से वायरस ठीक हो जाता है. नहीं 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 नहीं, ये सब खा के तो वायरस मल्टीप्लाई होने के ज्यादा चांसेस हैं. एक और आया था, अपनी प्यास को ज्यादा देर तक रोक के मत रखिए. अगर गला सूख गया तो वायरस 10 मिनट में अंदर घुस जाएगा. अच्छा, वायरस स्टॉपवॉच भी पहनता है. ठीक है, तू चिंता मत कर, तुम लोग घर पे रहो, मैं जरा जाके सब्जी लेके आता हूँ. आप कहाँ जा रहे हो? मैं घर का बड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा. आप घर में रहो, बूढ़े लोगों का ज्यादा रिस्की है. बेटा, हम चुस्त हैं. शांत रहो यार. सबसे ज्यादा रिस्क आपकी उम्र वालों का है. आप इतने साल बाप बन गए, अब कुछ जिम्मेदारी मुझे लेने दो. आप दोनों आराम से घर पे बैठो और मैं जैसा बोलूं वैसा करो. बता. सबसे पहले सारे पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से कुछ हफ्तों के लिए रिश्ता तोड़ दो. जितनी रिश्तेदारी निभानी है फोन पे निभाओ. पता नहीं कौन कहां से आया है, किससे मिलके आया है. और अपनी सोसाइटी तो इतनी जाहिल है कि अगर किसी को कुछ सिम्टम्स भी हुए तो बताएंगे नहीं, ये सोच के कि बेइज्जती हो जाएगी. आपको पता है इटली में लोग अपनी अपनी बालकनी में खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है. हमारे यहाँ मुश्किल है थोड़ा, सबके कच्चे बनियान बालकनी में ही सूख रहे होते हैं. दूसरी बात, हाथों को ढंग से साबुन से साफ करो, कम से कम 20 सेकंड तक. पता है हमें, तू जब छोटा था ना तो तेरे हाथ जबरदस्ती धुलवाता था मैं. हाँ ठीक है. और तीसरी बात, जब मौका मिले सैनिटाइजर से हाथ साफ करो. और कोशिश करना कि सैनिटाइजर वो वाला हो जिसमें अल्कोहल की मात्रा कम से कम 60% तो हो. फिर ठेके से शराब ही ले आते हैं, वही छिड़क लेंगे. और मम्मी, अपने यहाँ जो काम करने वाली आंटी आती है वो कहाँ पे? क्यों? सब छुट्टी समझ के अपने अपने गाँव जा रहे हैं. वहाँ ना साबुन ना मास्क, पता नहीं वहाँ ऑलरेडी कितने इन्फेक्टेड लोग होंगे. मैं भी वही उसको समझाओ कि अगर अपने परिवार का भला चाहती है तो इधर ही रुक जाए, हमारे घर में रह लेगी. वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने तो बोली दिया है कि 22 मार्च को सब घर में ही रहो. हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 23 तारीख को सब ढोलकी लेके नाचने निकल गए. कुछ दिन घर में रहना ठीक है, दिन दुनिया से दूर. अगर हम सच में अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए घर में रहते हैं, फेक न्यूज फैलाने से बचते हैं और अपनी हाइजीन, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं. लेकिन एक बात है, जब जब अमीरों की जान पे बात आई है ना, तब तब कड़े कदम उठाए गए हैं. नहीं तो मध्यम वर्ग के और गरीब लोग तो रोज मरते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता. मैं आपका लिंक भेज रहा हूँ. भेज भेज. अपने सारे दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दो. ये आपकी ड्यूटी है. कौन सा लिंक? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का. और आप भी डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करो. इस पे आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी COVID-19 से रिलेटेड. लाइक डिसलाइक नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन शेयर जरूर करना. सारी गलत इन्फॉर्मेशन फैलने में, फेक न्यूज फैलने में टाइम नहीं लगता, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है. लेकिन हम फैलाएंगे अपनी तेजी से, शेयर करके, अपने लिए, हमारे फ्यूचर के लिए. ये तू किससे बात कर रहा था? नहीं, वो मेरा अपना चलता रहता है. आप लिंक चेक करो. अच्छा, ये तो कोविड के लिए थी काफी अच्छी वीडियो. बहुत मतलब शायद स्टार्टिंग की वीडियो, जैसे मार्च में है, मार्च के टाइम की, मतलब ये शायद 15 नहीं, लॉकडाउन में जनता कर्फ्यू के टाइम पे आई हुई शायद. 22 हाँ, तो जनता कर्फ्यू के टाइम पर आई है, उससे पहले आई हुई 2-3 दिन पहले. बट रियलिटी अभी भी यार स्टिल सेम चीज है, अब भी अफवाह है. तो मैंने एक दिन कहीं देखा था, सुना था, बोलो
तुम बोलो। एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी बीबी की कि घर पे एक्स्ट्रा सामान मतलब भर लेना सीधे लोगों को मतलब ये लग रहा है कि एक्स्ट्रा सामान भर लेने से तो यार जिनको सच में जरूरत है उन तक नहीं पहुंच पा रहा, तो एकदम भूसो मत घर में सामान, भरो मत, जितना जरूरत है उतना ही यार। इसी उसी बहुत अच्छी बात कि सैनिटाइजर हद से ज्यादा खरीद लिए, मार्केट में जिन लोगों को चाहिए उनके पास अवेलेबल ही नहीं, आप हद से ज्यादा रख रहे हो, तो वो गलत है। रख ले ले हो वैसे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में टॉयलेट पेपर्स खत्म हो गए हैं, हो गए थे उस वक्त, काफ़ी सब लोगों ने स्टॉक कर लिया अपने पास, तो इसी तरह ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि सच में ये रियलिटी है कि, और हुआ भी कैसे, काफ़ी लोगों के पास खाना खाने के लिए नहीं था, माइग्रेट कर रहे लोग, लेकिन वहाँ गांव में जाकर शायद वो ये सोच रहे हैं गांव में जाकर खाना तो खा लेंगे, सिक्योरिटी तो वहाँ भी नहीं है ना। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ वहाँ जाकर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वहाँ भी तो लाइफ बड़ी स्ट्रगलफुल होगी, तभी तो वहाँ से उठकर यहाँ पर आए ना, अगर फिर वहाँ से यहाँ उठकर नहीं आते तो कैसे चलता, अगर फिर तभी तो यहीं से तो पैसे भेज रहे हैं वो, तो वहाँ जाकर तो पैसे कहाँ से कमाएंगे, वो वहाँ से तो भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर कहेंगे क्या, वो कमाएंगे क्या और करेंगे क्या, फिर तो कब से करेंगे, और वापस यहाँ से जाना है तो खुलना ही था ना, तो वर्कआउट जो होता है, वर्क जो हो रहा अभी तो दोबारा शुरू भी हो गया, लेकिन फिर भी लोग अभी भी माइग्रेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फिर बाद में काम कौन करेगा, अभी काम तो हो भी नहीं रहा है, तो लेबर को थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि ठीक है उनको, उनके पहले तो मालिकों को सोचना चाहिए, इनको सैलरी मिल देनी चाहिए थे टाइम पर, लेकिन टाइम पर नहीं दी तो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम पर देनी चाहिए थी उन्हें, अभी उनको अब एडवांस में दे दो कि वो अपने यहाँ पर रुके और फिर स्टे करें, फिर रहने खाने का सब कुछ मिले उन्हें टाइम पर। सरकार भी काफी सारे कदम उठा रही है, ये अच्छी चीज़ है जो सरकार कदम उठा रही है, तो आप भी कुछ कदम उठाइए, आप ये नहीं कि जो खाना ऑलरेडी एक आदमी को ही 5-5 बार खाना खिला रहे हो गरीब समझ के, ऐसा नहीं है। काफी मैंने देखा एक वीडियो देखी थी लाइव न्यूज की, उसमें एक आदमी के पास खाने के लिए इतना सामान था, खा कुछ भी नहीं रहा था, मतलब वो खा रहा था अपना नॉन वेज अलग से, लेकिन उसने इकट्ठा सब कुछ कर लिया था, पूरियां इकट्ठी कर ली थी और मतलब चावल वावल जो भी मतलब सब बना बना के दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन थोड़ा देख कर सोच समझ कर करो कि किसको जरूरत है किसको नहीं। और मिडिल क्लास अभी इसमें अभी तक तो लोअर मतलब तो जो पुअर लोग थे वो ज्यादा परेशान था, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास दोनों ही परेशान होने स्टार्ट हो गए क्योंकि लॉकडाउन बढ़ रहा है। लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री से छोटे भैया हमारे केजरीवाल भैया मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि अब इसके साथ जीने की आदत डालो और सीरियसली जीने की आदत डालो और आप भी जीने सीख लो, हम भी जीना सीख लेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अगर आपको कुछ बोलना तो बताइए, नहीं तो मैं फिर उसको कुछ भी बोलूँ। आप इतना कुछ बोल चुके हैं कि मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं बोला। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वही बीबी की वाइंस में जो कहा गया है, बट फिर भी हमें लाइक तो कर रहे, मेरे को पसंद है लाइक, बट यार सीरियसली इस बात को लाइक शेयर कमेंट करने तक नहीं है, इस बात को यहाँ और जहाँ बैठाने की जरूरत है और ये फॉलो करने की जरूरत है। सो बिना बात का ज्ञान। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई स्टूडियो को लाइक कीजिए, मैं तो बोलूंगा शेयर करिए वो बात अच्छी है, और कमेंट करो कि भाई साहब नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, एंग्री फ्रेश, एंग्री मास्टर जी, एंग्री मास्टर जी 15 आएगा कुछ दिनों बाद आएगा, अभी थोड़ा सा डिले करेंगे हम। डोंट फॉरगेट अबाउट योर सजेशंस, राइट? सो हियर वी गोइंग टू साइनिंग आउट, बाय।